क्या दुनिया से छुपकर वरुण धवन ने गर्ल फ्रेंड नताशा दलाल से कर ली सगाई। वरुण धवन पिछले काफी समय से अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि वरुण साल 2020 तक शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इसी बीच ये खबर आ रही है कि वरुण ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्ल फ्रेंड नताशा दलाल से चुपके से सगाई कर ली है। NBT की खबर के मुताबिक वरुण और नताशा साल 2018 में ही चुपचाप रखे गए एक फंक्शन में सगाई कर चुके हैं और एक दूसरे को अंगूठी पहना चुके हैं। यह बेहद निजी समारोह था और केवल परिवार के लोग ही इसमें शामिल हुए थे। वरुण नताशा के लिए पागल है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो वरुण ही बता पाएंगे, लेकिन फैंस को उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार है। इससे पहले शादी पर बात करते हुए वरुण के पिता डेविड धवन ने कहा था कि मुझे पता है लोग वरुण की शादी के लिए एक्साइटेड हैं जैसे मैं हूं। हम ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश होगी। शादी होगी, खूब धूमधाम से होगी, लेकिन इस तरह की अटकलें लगाना बंद करें। हम इस बारे में खुद सभी को जानकारी देंगे। बता दें कि वरुण धवन और नताशा दलाल लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों को अक्सर साथ में डेट पर जाते देखा जाता है। वर्क फ्रंट की बात करें तो वरुण धवन की फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D अगले साल रिलीज होने वाली है, जिसमें वो श्रद्धा कपूर के अपोजिट दिखाई देंगे। रेमो डिसूजा की डांस बेस्ड ये तीसरी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग दुबई, अमृतसर और लंदन में हुई है। फिल्म में श्रद्धा कपूर और वरुण धवन के अलावा नोरा फतेही, सोनम बाजवा और प्रभुदेवा जैसे स्टार नजर आने वाले हैं। फिल्म अगले साल 24 जनवरी को रिलीज होने वाली है। पहले इसकी रिलीज डेट 8 नवंबर थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया। इससे पहले वरुण धवन की फिल्म कलंक रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। फिल्म के फ्लॉप होने से वरुण धवन काफी दुखी थे। फिलहाल वरुण कुली नंबर 1 के रीमेक की शूटिंग कर रहे हैं।